Redmi की तरफ से दो फोन अभी लॉन्च होने वाला है, एक तो Redmi K20 और दूसरा Redmi K20 Pro, वो भी 20 से 25,000 के अंदर ही आएगा। अभी आपके तरफ से बहुत सारा सवाल पूछे जा रहा है, जैसे अभी फिलहाल Poco F1 को क्या लेना चाहिए अंडर 20,000 में। तो आज इस वीडियो में मैं Poco F1 को आप ले सकते हो या नहीं इसके बारे में इसका प्रकाश डालूंगा। तो चलो করবো না দেরি, শুরু করি তাড়াতাড়ি। জয় হিন্দ দোস্ত, মেরা নাম হে সুমন। আব আজ জো Poco F1 কে বারে মে আপকো বাতাউঙ্গা না, ও তো আনবায়াস হোগা, क्योंकि खुद के पैसे से इसको खरीदा है और कहीं ना कहीं मैं इस डिवाइस को 5 से 6 महीना अब यूज कर चुका हूं और ये मेरा प्राइमरी डिवाइस भी है। ये तो सही है, Redmi K20 आ रहा है, Redmi K20 Pro आ रहा है, Realme X आ रहा है और भी बहुत कुछ। टेक्नोलॉजी आज एक है कल दूसरा है, यानी टेक्नोलॉजी तो भाई डेवलप कर रहा है। अभी इस समय अगर आपके पास 20,000 है, क्या आपको Poco F1 लेना चाहिए 2019 में या आपको Redmi K20 और K20 Pro के लिए वेट करना चाहिए? अगर मैं अनबायस होकर कहूं, जरूर आपको Redmi K20 या K20 Pro के लिए वेट करना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछोगे, क्या Poco F1 अभी के लिए अंडर 20,000 में अच्छा है, मैं कहूंगा जरूर। देखिए, मैंने जब इस फोन को खरीदा था तब इस फोन का प्राइस मुझे लगा था 20,000, उससे पहले ये था 21,000। अभी ये जो Poco F1 है 6GB 64GB वेरिएंट, ये आपको लगभग 18,000 में मिल जाएगा। आप सोचिए, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845, कोई भी फोन आपको, कोई भी ब्रांड आपको दे रहा है इस प्राइस रेंज में, आपका उत्तर होगा नहीं। तो हाँ, अंडर 18,000 या अंडर 20,000 में ये फोन आपके लिए सही चयन हो सकता है। अब जो Poco F1 में मुझे क्या क्या अच्छा लगा, और बहुत सारी चीज ऐसा भी है मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखिए, डेली यूजर के हिसाब से मुझे कोई शिकायत नहीं है जो Poco F1 का डिस्प्ले है इससे। हाँ, सुनने में आ रहा था Poco F1 में जो ब्लीडिंग इशू, स्क्रीन ब्लीडिंग इशू ये हो रहा था, पर Poco ने वो सुना और उसको ठीक भी कर दिया। अब ये डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छा है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, जो आपको थोड़ा सा निराश करेगा इसका जो नॉच थोड़ा सा लार्ज है, बड़ा है। अगर छोटा होता अच्छा होता, पर ये नॉच तो बड़ा है, पर इसमें आपको एक बहुत ही क्यूट फीचर मिलता है जो आपको इस प्राइस रेंज में कोई भी डिवाइस में नहीं मिलता है। हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आयर स्कैनर की, जो आपको एप्पल के फोन में मिलता है, यानी इसमें आपको फेस अनलॉक के लिए एक आयर स्कैनर दिया गया है और ये बहुत ही फास्ट है, आप देख सकते हो। अगर आप एकदम डार्क मोड पे भी हो ना, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। साथ में इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर बाय ब्लेजिंग फास्ट है, तो इन दोनों मामले में ये तो काफी अच्छा है, एक तो इसका फेस अनलॉक और दूसरा इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर। डिस्प्ले काफी अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब नॉच को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के बाद, यानी इसमें एंड्रॉइड का जो पाई है वो भी आ चुका है। चलिए, जो दूसरा इसमें आपको बहुत ही अच्छा चीज मिलता है वो है इसका प्रोसेसर। पर इससे पहले जो आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा वो है भाई इसका जो हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, आप एट ए टाइम दो सिम या एक माइक्रो एसडी कार्ड एक सिम का उपयोग कर सकते हो। आज तो हर एक ब्रांड आपको दे रहा है एटलीस्ट डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, इसमें मैं थोड़ा सा निराश हूं। फिर भी इसमें आपको 64GB का वेरिएंट मिलता है, साथ में 128GB का, आपके हिसाब से चुन लीजिएगा। पर इसका जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर का वो काफी अच्छा है, वो ब्लेजिंग फास्ट है, यहाँ पे आप निराश नहीं होंगे। साथ में यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है वो तो भाई एकदम 2018 का एक फ्लैगशिप किलर है। अभी 845 इसमें आपको मिलता है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का है और ये 2.8 GHz पे क्लॉक्ड है।
पर यहां पे आपको एक बात कहूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहोगे भाई 855 भी आ चुका है और ये कहीं ना कहीं Redmi K20 Pro में आपको मिल जाएगा। पर एक बात कहूं, अगर आप सोच रहे हो कि 845 और 855 में आपको आसमान एंड जमीन का आपको फर्क मिलेगा, ये तो नहीं होगा दोस्त। हाँ, आपको जो एंटीटू स्कोर होता है, जो आपका बेंचमार्क स्कोर होता है, उसमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, पर डेली यूसेज में, आपको डे टू डे यूसेज में कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर हैं और मैं इसको हर वक्त यूज करता हूं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगा। साथ में गेमिंग एकदम बटर स्मूथ है, हीटिंग इशू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको यहां पे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलता है जो सीपीयू को कूल रखने में सहायता करता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आउट ऑफ 10 भाई अंडर 20,000 में यानी 18,000 में ये आपके लिए परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बढ़िया चयन हो सकता है। चलिए अब जो इसका कैमरा भी इसका खास है। अभी बहुत सारे ब्रांड दे रहा है 48 मेगापिक्सल, जो पिक्सल बाइंडिंग मदद से आ रहा है। अब आपको बहुत सारे ब्रांड ऐसा भी दे रहा है जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा, और यहाँ पे देखिए Redmi Note 7 Pro जहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, यहाँ पे Poco F1 में मिलता है आपको 12 और 5 मेगापिक्सल का कैमरा। अगर आप मुझे गलत ना समझो तो डिटेलिंग, थोड़ा सा शार्पनेस आपको Redmi Note 7 Pro में तो अच्छा लगेगा कंपेयर टू Poco F1, पर आपको बहुत अंतर नहीं मिलेगा। इसमें आपको जो 12 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है वो 12 मेगापिक्सल ही है, और इसका क्लैरिटी कहिए, इसका जो लो लाइट आप कहिए या आपका इसका जो शार्पनेस वो कहिए या इसका जो जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफ़ी बढ़िया है। मैं इसको यूज़ करता हूँ और लगभग सभी वीडियो इसके फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक बात कहूँ, कैमरा के लिए भी ये फ़ोन आप ले सकते हो। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ Poco F1 वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन राइट नाउ। अब इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, EIS मिलता है, और EIS कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से काम करता है। और एक बात कहूं, इसमें आपको ट्रू 960fps का स्लो मोशन भी मिलता है, जो आपको शायद बहुत ही कम डिवाइसेस में अब मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। अभी बैटरी 4000mAh बैटरी मिलता है, और सामने में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा काम करता है, आप निराश नहीं होंगे। जो आप पे कर रहे हो वही आप जो रिटर्न में जो आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा, और इसका बैटरी भी काफ़ी अच्छा है जो यहाँ पे 4000mAh का बैटरी दिया गया है। और आपको अगर आप एक हेवी यूज़र हो तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप ज़रूर मिलेगा, और अगर आप एक नॉर्मल लाइट यूज़र हो तो आपको डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप ज़रूर मिलेगा। इसका साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, ये मानता हूँ जो यहाँ पे आपको सेकेंडरी स्पीकर मिलता है वो उतना लाउड नहीं है, पर अपडेट के बाद थोड़ा बहुत लाउड हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये आपको एक स्टीरियो फीलिंग भी देगा। इतना ही नहीं, इसमें आपको USB टाइप सी भी मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, और जो बॉक्स में आपको चार्जर मिलता है आपको एक घंटे में पूरा चार्ज कर देगा ये जो चार्जर। तो फास्ट चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर, आयर स्कैनर, सब कुछ आपको मिलता है। मेरे हिसाब से ये फोन आप जरूर ट्राई कर सकते हो, अगर आप वेट नहीं कर सकते हो Redmi K20 Pro के लिए। अगर आपका बजट 25,000 नहीं है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा Redmi K20 में आपको Qualcomm Snapdragon 730 मिल रहा है, पर इसमें आपको मिल रहा है 845। भूल मत कीजिएगा, अगर आप खरीदना चाहते हो जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रहा है वो काफी अच्छा और गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है। आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर पुश कीजिएगा, इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहेगा, और एक नया वीडियो के साथ आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।